इस वेले दी वड्डी अपडेट तुहानू दे दिए कि पंजाब दे विच चल रहे कांग्रेसी कलेश दे विचकार जिथे अज कांग्रेसी विधायकां दी मीटिंग होण जा रही है, 5 बजे मीटिंग होएगी। तां इस तों पहलां पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार अते साबका IPS मुहम्मद मुस्तफा दे वल्लों इक ट्वीट कीता गया। उहनां दे वल्लों ट्वीट कीता गया कि अज कांग्रेस विधायक दल दी बैठक दे विच नवां मुख्यमंत्री चुनण दा मौका है। उन्होंने कांग्रेसी विधायकों को सलाह दी है कि 79 कांग्रेसी विधायकों के कोल अज कांग्रेसी मुख्यमंत्री चुनने का मौका है। उन्होंने अपने ट्वीट दे विच लिखा कि 4.5 साल पहला 70 कांग्रेसी विधायक जिते, पर विधायकों नूं कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं मिलिया। तो उन्होंने विधायकों अज सलाह दी है कि अज की बैठक दे विच नवा मुख्यमंत्री चुनने का मौका उन्होंने कोल है, तो इस मौके का लाहा जिहड़ा विधायक लै सकते हैं। तो वड्डी अपडेट तुहानू दे दईए कि पंजाब दे विच कांग्रेस का कलेश उसे प्रकार जारी है। हालांकि हाईकमान के वालों लगातार कोशिशां कीतियां जा रही ने इस कलेश नूं खत्म करन दियां। तां अज पंजाब मामले दे इंचार्ज हरीश रावत दे वालों मीटिंग सदी गई है, अचानक तो यह मीटिंग सदी गई है, जिस दे विच सारे विधायकों नूं शामिल होने की भी अपील की गई है। उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी सी, बीती रात यह जानकारी सामने आ गई सी कि अज दा दिन 5 बजे पंजाब कांग्रेस भवन दे विच विधायकों की बैठक होने जा रही है, जिस तों बाद हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार अते साबका IPS मुहम्मद मुस्तफा दे वालों एक ट्वीट कर दिता गया है। ट्वीट दे विच उन्होंने सलाह दी है कांग्रेस के विधायकों नूं कि जेकर वह चाहते हैं तो नवा मुख्यमंत्री चुनने का मौका उन्होंने कोल अज है, क्योंकि लगातार जिहड़े कैप्टन के बागी विधायक ने वह लगातार यही गल कह रहे हैं कि 2022 दीआं चोणां कैप्टन की अगवाई दे विच नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने वालों यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलिया जाए जेकर पंजाब दे विच कांग्रेस नूं जितोना चाहते हैं, पर दूजे पास हाईकमान के वालों अजे तक कोई भी इस नूं लैके बयान सामने नहीं आया। हालांकि हरीश रावत ने एक बार जरूर कह दिता सी कि 22 दीआं चोणां कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच ही लड़िया जाएंगी, पर उस तों बाद उन्होंने भी अपने बयान नूं जिहड़ा है वापस लै लिया सी। पर हुण अज दी मीटिंग जिहड़ी होण जा रही है उस तों बाद की नवां निकल के आउंदा इह तां हुण आउण वाला समां ही दस्सेगा। इस वेले दी वड्डी अपडेट तुहानूं दे दईए कि पंजाब दे विच चल रहे कांग्रेसी कलेश दे विचकार जिथे अज कांग्रेसी विधायकों की मीटिंग होण जा रही है, 5 बजे इह मीटिंग होएगी। तां इस तों पहलां पंजाब कांग्रेस दे प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार अते साबका IPS मुहम्मद मुस्तफा दे वल्लों इक ट्वीट कीता गया। उन्होंने वल्लों ट्वीट कीता गया कि अज कांग्रेस विधायक दल की बैठक दे नवा मुख्यमंत्री चुनने का मौका है। उन्होंने कांग्रेसी विधायकों को सलाह दी है कि 79 कांग्रेसी विधायकों के कोल अज कांग्रेसी मुख्यमंत्री चुनने का मौका है। उन्होंने अपने ट्वीट दे विच लिखा कि 4.5 साल पहला 70 कांग्रेसी विधायक जिते, पर विधायकों को कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं मिलिया। तो उन्होंने विधायकों को अज सलाह दी है कि अज की बैठक दे विच नवा मुख्यमंत्री चुनने का मौका उन्होंने कोल है, तो इस मौके का लाहा जिहड़ा है विधायक लै सकते हैं। तो वड्डी अपडेट तुहानू दे दईए कि पंजाब दे विच कांग्रेस का कलेश उसे प्रकार जारी है। हालांकि हाईकमान के वालों लगातार कोशिशां कीतियां जा रही ने इस कलेश नूं खत्म करन दियां। तां अज पंजाब मामले दे इंचार्ज हरीश रावत दे वल्लों मीटिंग सदी गई है, अचानक तो यह मीटिंग सदी गई है, जिस दे विच सारे विधायकों नूं शामिल होने की भी अपील की गई है। उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी सी, बीती रात यह जानकारी सामने आ गई सी कि अज दा दिन 5 बजे पंजाब कांग्रेस भवन दे विच विधायकों की बैठक होने जा रही है, जिस तों बाद हुण नवजोत सिंह सिद्धू दे सलाहकार अते साबका IPS मुहम्मद मुस्तफा दे वल्लों एक ट्वीट कर दिता गया है। ट्वीट दे विच उन्होंने सलाह दी है कांग्रेस विधायकों को कि जेकर वह चाहते हैं तो नवा मुख्यमंत्री चुनने का मौका उन्होंने कोल अज है, क्योंकि लगातार जिहड़े कैप्टन के बागी विधायक ने वह लगातार यही गल कह रहे हैं कि 2022 दीआं चोणां कैप्टन की अगवाई दे विच नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने वालों यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदलिया जाए जेकर पंजाब दे विच कांग्रेस नूं जितोना चाहते हैं, पर दूजे पास हाईकमान के वालों अजे तक कोई भी इस नूं लैके बयान सामने नहीं आया। हालांकि हरीश रावत ने एक बार जरूर कह दिता सी कि 22 दीआं चोणां कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगवाई दे विच ही लड़िया जाएंगी, पर उस तों बाद उन्होंने भी अपने बयान नूं जिहड़ा है वापस लै लिया सी। पर हुण अज दी मीटिंग जिहड़ी होण जा रही है उस तों बाद की नवां निकल के आउंदा इह तां ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।